डियर स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक चैनल में सी प्रोग्रामिंग सीखने के इस वीडियो लेक्चर में आज हम लेसन वन इंट्रोडक्शन टू सी के लेक्चर फाइव में सी प्रोग्रामिंग के स्ट्रक्चर को समझेंगे। वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी वीडियो मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपने अब तक लेसन वन के लेक्चर वन हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, लेक्चर टू डेफिनेशन ऑफ सी लैंग्वेज, लेक्चर थ्री डाउनलोड एंड इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फॉर सी एंड लेक्चर फोर फर्स्ट प्रोग्राम इन सी के वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। आप लिंक से इस वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। लेक्चर फाइव, स्ट्रक्चर ऑफ सी। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव एंड कंटेंट्स। आज की वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को समझेंगे। आज की वीडियो में हम सी प्रोग्राम के हेडर फाइल के यूज और इम्पोर्टेंस को समझेंगे, stdio.h और conio.h हेडर फाइल को समझेंगे, मेन फंक्शन के यूज और इम्पोर्टेंस को समझेंगे और printf, clrscr, getch जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शंस है उसको समझेंगे। तो चलिए लेक्चर को एंजॉय करते हैं। जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना, सेव करना, कंपाइल करना, एग्जीक्यूट करना को समझा था, आज हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले हम हैश इंक्लूड लिखते हैं। हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का काम हमारे प्रोग्राम में हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। यहाँ पर stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है जिसे हैश इंक्लूड हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करेगा। इसी तरह हैश इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, इसे भी कंपाइलर हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करेगा। void एक रिटर्न टाइप है जिसे हम मेन फंक्शन के आगे लगा सकते हैं। मेन एक फंक्शन का नाम है और void main को हम फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं। यहाँ पर curly braces open और curly braces close फंक्शन के बॉडी को डिफाइन करता है और इस फंक्शन बॉडी के अंदर हम अपने प्रोग्राम के लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमने अपने प्रोग्राम में clrscr फंक्शन को कॉल किया था। इसी तरह हमने अपने प्रोग्राम में मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए printf फंक्शन को कॉल किया था। इसी तरह हमने अपने प्रोग्राम में getch फंक्शन को कॉल किया था। getch, printf, clrscr ये सारे प्रीडिफाइन फंक्शन हैं और हमने अपने प्रोग्राम में इसे कॉल किया है। चलिए अब हम इस सारे हेडर फाइल को, रिटर्न टाइप को, फंक्शन बॉडी को, फंक्शन मेन को एक एक कर समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ये हैश इंक्लूड क्या है। हैश इंक्लूड को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो कमांड होते हैं वो हैश से स्टार्ट होते हैं। हैश इंक्लूड कंपाइलर को ये कहता है कि हमारे प्रोग्राम में हेडर फाइल को इंक्लूड करो ताकि हम उसके लाइब्रेरी फंक्शन को यूज कर सकें। हैश इंक्लूड का सिंटेक्स इस तरह होता है, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हेडर फाइल का नाम। ये अब हम समझते हैं ये हेडर फाइल क्या होता है। हेडर फाइल प्री डिफाइंड फंक्शंस को, वेरिएबल को कंटेन करता है। मतलब सी सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस है और ये सारे हेडर फाइल में पड़े होते हैं जो हमें प्रोग्राम बनाने में सपोर्ट करते हैं। हैश इंक्लूड हेडर फाइल में पड़े फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करता है। .h एक्सटेंशन वाले फाइल सी प्रोग्राम के हेडर फाइल होते हैं। हेडर फाइल को हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। stdio.h, conio.h, mat.h, ctype.h, string.h ये कुछ हेडर फाइल्स के एग्जांपल्स हैं। नोट करने वाली बात यह है कि हेडर फाइल को हम सारे फंक्शंस के ऊपर लिखते हैं।
stdio.h। stdio.h एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है। इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में वो सारे फंक्शन होते हैं जिससे हम अपने प्रोग्राम में डेटा को इनपुट और आउटपुट कराते हैं, जैसे वैल्यू को कीबोर्ड द्वारा रीड करना और आउटपुट को कंसोल यानी आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट करना। stdio.h हेडर फाइल के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे प्रिंट एफ और स्कैन एफ है। conio.h हेडर फाइल, इसका मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसका यूज हम डॉस कंपाइलर में टेक्स्ट इंटरफेस क्रिएट करने के लिए बनाते हैं। इस हेडर फाइल में भी ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो कंसोल से इनपुट आउटपुट को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। clrhcr और getch ये कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन हैं जो conio.h हेडर फाइल में होते हैं। चलिए अब हम प्रोग्राम के सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन मेन फंक्शन को समझते हैं। मेन किसी भी प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट फंक्शन होता है, मतलब अगर हम सी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें मेन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है और बाकी सारे फंक्शन को हम मेन से ही कॉल करते हैं। सी प्रोग्राम में मेन फंक्शन का होना मस्ट होता है। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है और मेन से ही खत्म होता है। वॉइड मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप होता है। हम void के जगह पर int return type को भी यूज कर सकते हैं। मेन फंक्शन में लगे कर्ली ब्रेसेस ओपन और क्लोज फंक्शन बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं और फंक्शन बॉडी के अंदर हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिखते हैं। फंक्शन के कॉन्सेप्ट को हम फंक्शन के वीडियो लेक्चर में समझेंगे। अगर हम printf फंक्शन को समझें तो printf स्टैंड फॉर प्रिंट फॉर्मेटिंग। printf एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका इम्प्लीमेंटेशन stdio.h हेडर फाइल में किया गया है। printf फंक्शन का यूज टेक्स्ट मैसेज को कंसोल स्क्रीन में दिखाने के लिए किया जाता है। इसका यूज हम वेरिएबल के वैल्यू को और एक्सप्रेशन वैल्यू को प्रिंट करने के लिए भी करते हैं। printf फंक्शन का सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है, printf और parentheses के अंदर टेक्स्ट स्ट्रिंग और वेरिएबल लिस्ट। नोट करने वाली बात यह है कि printf कोई कीवर्ड नहीं है, ये याद रखिएगा, printf एक फंक्शन है नॉट अ कीवर्ड। हम मैसेज को printf में दिखाने के लिए डबल कोटेशन का यूज करते हैं। अगर हम clrstr फंक्शन को समझे तो clrstr स्टैंड फॉर क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका इम्प्लीमेंटेशन conio.h हेडर फाइल में किया गया है। clrstr फंक्शन का यूज कंसोल यानी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने में किया जाता है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह है। यहाँ पे भी नोट करने वाली बात यह है कि clrstr कोई कीवर्ड नहीं है। अगर हम getch फंक्शन की बात करें तो getch भी एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है जिसका इम्प्लीमेंटेशन conio.h हेडर फाइल में किया गया है। getch फंक्शन का यूज हम आउटपुट स्क्रीन यानी कंसोल से एक करेक्टर लेने में करते हैं और इसे हम आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने में भी यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह होता है। और getch एक फंक्शन है, कोई कीवर्ड नहीं है। नाउ आज की वीडियो लेक्चर का क्वेश्चन है इन विच हेडर फाइल printf फंक्शन इज इम्प्लीमेंटेड। मतलब आपको बताना है printf फंक्शन किस हेडर फाइल में इम्प्लीमेंटेड है। आपके ऑप्शन है ए conio.h, बी stdio.h, सी stdlib.h और डी string.h। आप अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।